तो मैं यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। अमन जोया को मैं थोड़ी साइड देख रही हूँ, पता नहीं काम की वजह से शायद थोड़ा टेंशन है, इसलिए अभी मैं नोटिस कर रही हूँ। मैं जब वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो बस काम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थकान है चेहरे पर दिख रही है। तो बस शाम का समय था, बच्चों को छोड़ के आई, थोड़ा सा आराम कर ली। उसके बाद शाम में गेस्ट आ गए थे तो मैं सोची चलो कुछ बना देते हैं, घर का ही कुछ बना देते हैं। तो भजिया बना दी, बच्चे भी खा लेंगे। एक्चुअली में ना भाई की वाइफ आ गई थी, वो कहीं जा रहे थे कुछ काम से, तो आ गए थोड़ा सा मिलने के लिए। तो बच्चे को भी देख लेती हूँ मैं, भतीजी को आ जाते हैं उन लोग तो, और मैं जल्दी जाना होता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं झटपट में सोची चलो चाय चाहती हूँ और भजिया वजिया बनाती हूँ। तो बस मैं भजिया की तैयारी कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा अभी बिजी हूँ। एक्चुअली में ना शादी चल रही है, तो शादी अभी बहुत चल रही, शादी का सीज़न ही चल रहा है अभी, बहुत जगह से शादी का आया है। बट एक जगह ना हम लोग को जाना है जो थोड़ा ख़ास है, तो वहाँ जाना है 2-3 दिन के लिए। तो उसी की वजह से ना मैं एकदम सुबह से ही काम काम कर रही हूँ, फिर भी मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है और ना मेरी पैकिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ना चल रहा है। पता नहीं, मैं खुद परेशान हूँ। मुझे जाने कितना मतलब ये है, पैकिंग, बच्चों का ड्रेस प्रेस करना है, सबका एक एक चीज़ सामान को देख के रखना है, तो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। कैसे करूं कैसे करूं, घर का काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है, घर की साफ सफाई। छुट्टी है, बच्चे लोग घर पे ही है, तो बहुत घर गंदा करते हैं, तो रोज़ घर की साफ सफाई ये सब में ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा काम ही नहीं कर पा रही हूँ, ना पैकिंग कर पा रही हूँ, ना कुछ, निकलना है हमें कल। तो बस फिर भी कोशिश करूँगी आज जितनी भी रात हो पर आज कर लूँ, क्योंकि कल निकलना है, कल सुबह दोपहर तक जाना है। तो बस यहाँ पे आ गए थे तो मैं चलो थोड़ा सा नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर नाइट में ही करूँगी। तो बस मैं झटपट भजिया बना रही हूँ। भजिया ना अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो भजिया अच्छा लगता है, या बारिश होती है तो भजिया अच्छा लगता है, गर्मी में नहीं अच्छा लगता है भजिया। ऐसे ज़्यादातर रमजान में तो रेगुलर रोज़ ही खाते हैं हम लोग, बट ना ऐसे भी कभी कल ना भजिया अच्छा लगता है खाओ तो, ठंड मौसम हो, बारिश गिर रही हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था जल्दी में मैं क्या नाश्ता मंगाऊँ क्या बनाऊँ, बच्चे थोड़ा तंग भी कर रहे थे, मम्मी नाश्ता कुछ दो। रोज़ शाम में इन लोग कुछ ना कुछ बनाने का रहता है, ये भजिया से शौक से बच्चे खाते नहीं हैं, बस तो भाभी आई ना करके इसलिए ही मैं बना दी, या मैं शौक से खाती हूँ भजिया, मुझे अच्छा लगता है, बट ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं क्योंकि ऑयली रहता है, तो दो पीस खा ली ऐसा रहता है। भजिया पसंद है मुझे, बट खाने को तो मैं बहुत सारा खा लूँ बट खाती नहीं हूँ, ऑयली रहता है ना ज़्यादा इसीलिए। तो यहाँ पे ना मैं भिजा रही थी कि बच्चे लोग को बोली जाओ बेटा दे करके आ जाओ, फिर चाय भी निकाली उन लोग को दे दी, फिर मैं आराम से ना मैं बैठ करके ना चाय पीऊँगी, सुकून से, सुकून वाली चाय। मुझे ना चाय बहुत सुकून से पीने में अच्छा लगता है। और ये ना मिठाई भी था बहन लेकर के आई थी दिवाली के समय ही, बताई थी मैं आप लोग को कि उन लोग ना बहुत सारा मिलता है, तो वो ला के दिए थे बहुत सारी मिठाई मुझे ला के, ये तो मैं भूल गई थी, ये ना फ्रिज में ही रखा हुआ था अंदर, छोटा सा डब्बा है तो अंदर रखा हुआ था, तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि है ये, 2-3 काफ़ी दिन हो गए, 3-4 रोज हो गया, मैं आज देखी ना तो मैं बोली चलो दे देती हूँ। तो बस मैं बोली बच्चे लोग को भी खा लेंगे, मैं तो नहीं चखी हूँ, बहुत मीठा रहता है एकदम, अच्छा लगता है, प्रोवाइड रसगुल्ला फेवरेट है मेरा, अभी तक ना मैं खाई नहीं हूँ, बच्चों को दी, बच्चों को देने के चक्कर में खुद अपना भूल जाती हूँ कि मुझे भी कुछ खाना है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय भजिया खा रही हूँ, मैंने रमज़ान में भी ना मेरा फेवरेट है चाय और भजिया, चाय पीऊँगी रोज़ा खोलने के बाद, 2-3 पीस भजिया बैठ करके आराम से नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब के बाद खाऊँगी, और ये जब भी भजिया बनता है ना तो मैं चाय के साथ ज़रूर खाती हूँ। तो बस रात हो गया था, फिर डिनर की तैयारी करे थोड़ा सा, फिर मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मेरा कोई सुबह क्या बनाऊँ शाम क्या बनाऊँ वही टेंशन रहता है, और हम औरतों के लिए तो यही है क्या बनाए। तो अंडा करी बना रही थी, राइस बना रही थी, उन लोग को ही बोली रुक जाओ खा के जाना। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने काम से, भाई के साथ, भाई आ गया था, तो बताती हूँ आपको क्या काम से जा रही हूँ, आप देख भी लेंगे और मैं बता भी दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे भाई के साथ निकल रही थी मार्केट, थोड़ा मार्केट का काम था। एक्चुअली में शादी की तैयारी मुझे कुछ नहीं करनी है, कुछ लेना भी नहीं था, मैं ली भी नहीं, ये प्रेस देखने आई हूँ मैं। एक्चुअली में अभी शाम में मैं जब चाय वाय पी के मैं बोली चल थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं, तो मेरा प्रेस जल गया, और जला ना पहले भी 2-3 बार जल चुका, बना चुकी हूँ मैं, फिर वो बहुत ज़्यादा धुआं हुआ निकलने लगा, एकदम आग जैसा लग गया। तो फिर मैंने उसको, फिर मैं बोली क्या करूँ अब इतनी इमरजेंसी में, अभी मुझे कपड़ा भी बहुत सारा प्रेस करना है, जाने के लिए तैयारी करना है। फिर मैं बोली भाई चलो, एक्चुअली में मेरे पास पैसे भी कम थे बट थे,
तो मैं बोली चलो ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है, 700-800 हज़ार के अंदर का ही आएगा, देखती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ कम का ही ले लूँ। तो बजाज का ली मैं, बजाज का अच्छा रहता, बहन भी ली है तो बोली थी ले लेना अच्छा रहेगा 700 में मिल जाए, तो 700 में ही मिला मुझे। बट मुझे अखर गया कि 700 अभी शादी के समय पैसा मैं कुछ रखी थी हाथ में तो वो इसमें लग गया, पर क्या कर सकते। एक्चुअली में मैं शादी में कुछ भी नहीं ली कुछ भी, मैं बैंगल्स देखने गई थी चूड़ी अपना मैचिंग साड़ी का, तो वो भी मुझे मिला नहीं, तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। दुकान मार्केट में भी जाए खुद ढूंढी वो मैचिंग कलर मिला नहीं, तो फिर मैं बोली अब मैं लूँगी ही नहीं, आ गई मैं वापस, मैं नहीं लेती कुछ भी नहीं लेती, अब इतना पैसा बचा के चलाती हूँ, उसके बाद भी ना जहाँ जाना है तो वहाँ चल ही जाता है, तो ये प्रेस में लग गया 700 रुपया मेरा, तो मेरा ना मूड ही ख़राब हो गया। फिर मैं बोली कोई बात नहीं, ये तो काम का चीज़ है ना, ये तो लगता ही है, इससे तो हम बच नहीं सकते कि नहीं नहीं लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मुझे रोज़ ही लगता है बच्चों का भी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म रोज लगता है। मैं बस अब मैं बहुत थक गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब सोने, अब मिलूँगी इंशाल्लाह मैं जब वहाँ जाऊँगी तो रेडी होकर कल का नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा आप सब, बहुत मज़ा आने वाला है और शादी इंजॉय करेंगे हम और आप सब भी देख के हमें इंजॉय करना। तो बस हालत ख़राब हो गई है मेरी, अब मैं जा रही हूँ सोने, बिल्कुल आराम करूँगी, भूख भी लग रही है बट खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, तो मैं अपने लिए अपना दूध ले ली, एक गिलास में दूध कम से कम पी लेती हूँ, इतना रात में खाना अच्छा नहीं होता है, ऐसे भी नहीं खाती हूँ, भूख लग रही फिर दूध पी के सो जाऊँगी। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।